रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं, आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर से गैंगरेप और मर्डर के खिलाफ पूरा देश उबल रहा है। दिल्ली से तेलंगाना तक प्रदर्शन हो रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पीड़ित परिवार से मिले हैं। तमाम खबरें अहम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसी से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हैदराबाद गैंगरेप का जिक्र किए बगैर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही है। दिल्ली के लाल किला मैदान में गीता प्रेरणा महोत्सव में मोहन भागवत ने कहा कि सरकार पर सब कुछ छोड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बच्चों को घर से ही शिक्षित करना होगा कि महिलाओं को देखने का उनका नजरिया ठीक हो। उन्होंने कहा कि अपने घर से बच्चों को महिला का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए, ताकि वो जब घर से बाहर निकले तो वो दूसरी महिलाओं का भी सम्मान कर सके, महिलाओं को देखने की दृष्टि शुद्ध करें, ये कहा है मोहन भागवत ने। आरएसएस प्रमुख ने आपको बता दें, देश भर में हैदराबाद की वेटरनरी डॉक्टर से गैंगरेप वाले मामले में देश उबल रहा है, देश गुस्से में है, वो इंसाफ की मांग कर रहा है। और इस पर मोहन भागवत की ओर से ये अहम बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा गया है आरएसएस प्रमुख की ओर से, सुनिए। हमारे देश में मातृशक्ति की सुरक्षा परिसर में, परिवार में, सर्वत्र अक्षुण्ण रहे, सरकार कानून बना चुकी है, कानून का पालन ठीक से हो, शासन प्रशासन की ढिलाई ये सब अब चल नहीं सकती। लेकिन शासन प्रशासन पर ही सब छोड़ के नहीं चलेगा, क्योंकि जो ये अपराध करने वाले हैं उनकी भी माता बहने हैं, इसीलिए तो उनका अस्तित्व है, उनको ये किसी ने सिखाया नहीं। अपने घर से प्रारंभ करना है, पुरुषों की मातृशक्ति की ओर, महिलाओं की ओर देखने की दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, यही इन सब बातों को बंद करेगा, नहीं तो आग लगेगी और फायर ब्रिगेड जाएगा, ये तो होता ही है। आग लगना बंद करना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी मातृशक्ति हमारी मातृशक्ति है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।